23 मई 2023 बड़े मंगलवार पर करें गुड़ के इस महा उपाय को। जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको तुरंत मुक्ति। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्येष्ठ महीने का तीसरा बड़ा मंगलवार 23 मई 2023 को पड़ने जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म में बड़े मंगलवार का बहुत ही खास महत्व होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि बड़े मंगलवार पर जितने भी हनुमान भक्त होते हैं वो जगह जगह पर भंडारा लगाते हैं और लोगों को भरपेट खाना खिलाते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ कहा गया है, कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से जूझ रहा है और उसे बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी की सबसे पसंदीदा चीज़ गुड़ के महा उपाय को कर ले, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन काल के हर प्रकार की समस्याओं से तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है और उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो गुड़ के महा उपाय को करके अवश्य ही वो पूरी भी हो जाती है। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। और आप एक बात जान लीजिए, ज्येष्ठ महीना हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस बार ज्येष्ठ महीने की शुरुआत 6 मई 2023 को हुई थी, इसका समापन 4 जून 2023 को होगा। इस ज्येष्ठ महीने में 4 बड़े मंगलवार पड़ेंगे, अभी तक 2 बड़े मंगलवार निकल चुके हैं। ज्येष्ठ महीने का तीसरा बड़ा मंगलवार 23 मई 2023 को पड़ने जा रहा है। इस दौरान अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए साधारण से गुड़ के उपाय को कर लेते हैं तो अवश्य ही आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। माना जाता है कि ज्येष्ठ महीने के प्रत्येक बड़े मंगलवार को हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। आप बार बार ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार क्यों होता है, तो आपको बता दें दोस्तों, ज्येष्ठ महीने के पहले बड़े मंगलवार को हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी से मिले थे। ज्येष्ठ महीने के दूसरे बड़े मंगलवार को हनुमान जी महाराज को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। ज्येष्ठ महीने के तीसरे बड़े मंगलवार को हनुमान जी महाराज ने महाभारत काल के समय में भीम को हरा करके उसके घमंड को तोड़ा था। और ज्येष्ठ महीने के चौथे बड़े मंगलवार को हनुमान जी महाराज ने एक संकल्प लिया था कि वो अपने हर भक्तों के संकट को हर लेंगे, तभी से उनका नाम पड़ा था संकट मोचन। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो आपके जीवन में कभी भी आपको संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी के सामने आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो इसके लिए आपको 10, 12, 15, 16 मंगलवार तक पूजा पाठ हनुमान जी के सामने करना होगा। लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी के सामने आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, या आप ऐसा कोई उपाय हनुमान जी के सामने करना चाहते हैं जिसमें आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिले और आपके उपाय का फल आपको तुरंत ही मिल जाए, तो दोस्तों पूरे साल में अगर आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी पूजा पाठ करेंगे या उपाय करेंगे वो तुरंत ही सिद्ध हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप बड़ा ध्यान से आप देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको वह उपाय बताने रहे गुड़ का, जिसको करने के बाद आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता। आप अपने जीवन में नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपके रोज घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आप देख रहे हैं कि आपके पास पैसा आना बंद हो गया, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है, वो है कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है। जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह कमजोर होता है वह व्यक्ति चाहे जितना प्रयत्न कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत है, वह व्यक्ति गलत निर्णय भी लेगा तो उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचेगा। और मंगल ग्रह के स्वामी हैं हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज को गुड़ बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दोस्तों हम में से कई लोग सर्दियों में गुड़ का सेवन करते हैं। सर्दियों में गुड़ का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। कहा जाता है कि गुड़ बहुत ज़्यादा लाभकारी, गुड़ से भरपूर होता है। लेकिन क्या आपको पता है, गुड़ न केवल सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से बल्कि ज्योतिष दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। लाल किताब में कहा गया है कि गुड़ का उपाय अगर बड़े मंगलवार के दिन किया जाए तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है, इसका आपको पलट करके लाभ मिलता ही मिलता है। गुड़ का उपाय करके आप अपने जीवन में नौकरी, व्यापार, धन, कर्ज, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और बड़े मंगलवार के दिन किया गया गुड़ का उपाय आपको साक्षात बजरंग बली जी का आशीर्वाद दिला सकता है। इसीलिए दोस्तों आज इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि गुड़ बहुत ही साधारण सी चीज़ है, लेकिन इसका उपाय कैसे करना है वो आपको पता नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एक साधारण से गुड़ का उपाय करके इस बड़े मंगलवार के दिन आप साक्षात हनुमान जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिले आपको जिसके साथ आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ दे और आप जो भी निर्णय लें उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई भी उपाय हुआ जिस उपाय को करके आप लाभ पा सकते हैं वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं दोस्तों, वो है मंगल ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी लेगा तो उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है तो वह व्यक्ति चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है। तो आपको क्या करना,
हैं, बहुत ही साधारण सा उपाय हम आपको बताना रहे हैं। तो 23 मई 2023 को बड़ा मंगलवार पड़ रहा है, सुबह आप लोगों को उठकर नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। आपको 500 ग्राम गुड़ और 500 ग्राम गेहूँ, बहुत ध्यान से सुनेगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ और 500 ग्राम गेहूँ ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में दान कर देना है। इतना उपाय अगर आपने इस बड़े मंगलवार के दिन कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा उपाय हम आपको जो बताने रहे वो है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना है वो चाहते हैं आप अगर पूरी हो जाए तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने रहे। यह उपाय आप सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो आपको बस करना यह है, देखिए बड़े मंगलवार के दिन बरगद के पेड़ की पूजा पाठ होती है, आपको सिर्फ किसी भी बरगद के पेड़ के पास जाना है। आपको बस यह करना है कि जो बरगद का पेड़ हो उसके पास कोई पत्ता गिरा हो। देखिए पत्ता तोड़ना नहीं है दोस्तों, बड़े मंगलवार के दिन बरगद के पेड़ से कभी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। गिरे हुए पत्ते को उठाना है, उस पर आपको सिंदूर से जय श्री राम लिखना है, एक छोटे से गुड़ का टुकड़ा उस पर रखना है, 1 रुपये का सिक्का रखना है और किसी भी बहती हुई नदी में परिवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने इस बड़े मंगलवार के दिन कर लिया तो हम आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे रहे हैं दोस्तों कि आप खुद देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताना रहे दोस्तों वो है घर की बरकत का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर पे जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो सब बंद हो जाए, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर की बरकत हो, तो एक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए आपको बस यह करना है कि इस बड़े मंगलवार के दिन एक साधारण गुड़ की भेली लेनी है, गुड़ की भेली लीजिए, उस गुड़ की भेली को अपने सर के ऊपर से 3 बार घुमाइए, बाईं ओर से दाईं ओर, लेफ्ट टू राइट। इसी तरीके से घर के प्रत्येक सदस्यों के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर आपको घुमाना है और इसी गुड़ की भेली को अपने घर के आसपास जमीन में कहीं भी गाड़ देना है। इतना उपाय अगर आपने इस बड़े मंगलवार के दिन कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर पर जो काला जादू, बंधन, तंत्र शक्ति, ऐसा कुछ भी थी, नकारात्मक शक्ति थी, वो खत्म हो जाएगी। आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर की बरकत भी होगी और आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब अगला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो पैसा आता है वो बेफिजूल खर्ची में ना उड़े, जो पैसा आता है वो रुके भी, टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, तो एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है दोस्तों। आप लोगों को बस यह करना है दोस्तों कि आप लोगों को आधा किलो गुड़ लेना है और 250 ग्राम चना लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आधा किलो गुड़, 250 ग्राम चना ले जाकर के इसी का भोग हनुमान जी को लगाना है। इतना भर अगर आपने इस बड़े मंगलवार के दिन कर लिया तो अवश्य ही आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। इसी तरीके से कोई संपत्ति अगर आप खरीदना चाहते थे लेकिन वो संपत्ति आप नहीं खरीद पा रहे थे तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए बहुत आसान सा उपाय बताया गया है हमारे धर्मशास्त्र में। आप लोगों को बस यह करना है कि एक लाल गुलाब की माला लेनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक लाल गुलाब की माला लेनी है, आधा किलो गुड़ लेना है, उस पर एक तुलसी की पत्ती रखनी है, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले हनुमान जी महाराज को लाल गुलाब की माला पहनाइए, आधा किलो गुड़ जिसमें आपने एक तुलसी की पत्ती रखी है उसका भोग हनुमान जी को लगा दीजिए। इतना उपाय आपने इस बड़े मंगलवार के दिन कर लिया तो अवश्य ही जो संपत्ति खरीदने के लिए आप बड़ा परेशान थे वो संपत्ति आपकी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, तो एक साधारण सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। अपने घर पर 11 रोटी बनवा लीजिए, 11 रोटी पर हल्की हल्की से गुड़ की भेली रख लीजिए, किसी भी लाल गाय को इस 11 रोटी को खिला दीजिए और अवश्य ही आपकी नौकरी लग जाएगी। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपको मनचाही नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के ऊपर समाप्त।